जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम, जय राम जी की। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक मौलाना की। मौलाना ने बोला, गुजरात में जूनागढ़ में हिंदूज आर डॉग्स, मतलब हिंदू सारे कुत्ते हैं। और तत्पश्चात गुजरात की एटीएस बॉम्बे में जाके, मुंबई में जाकर मौलाना को घसीट कर लेके आई है कुत्ते की तरह। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल ये घटना परसों की है कि एक मौलाना है जो उनका मूल निवास है मुंबई के घाटकोपर एरिया में, और वे गए थे तकरीर करने यानी भाषणबाजी करने गुजरात के जूनागढ़ में। और जूनागढ़ में वहां पुलिस थाने के बगल में ही एक जगह है जहां पर ये मौलाना तकरीर करते कर रहे थे, अर्थात प्रवचन दे रहे थे अपने हिसाब से। और उन्होंने अपने तकरीर में बोला, ऑल हिंदूज आर डॉग्स, अर्थात सारे हिंदू जो हैं सब कुत्ते हैं। ऐसी हेट स्पीच उन्होंने अपने तकरीर के माध्यम से अपने समर्थकों, हजारों समर्थकों के बीच दी। वो भी कहां, जहां के बाजू में ही पुलिस थाना है, वहां पर दी। जब यह बात खुलकर सामने आई तब फिर इसके ऊपर पुलिसिया एक्शन हुआ, होना ही था, सो हुआ। और वो वहां पर तो स्पीच देके हिंदुओं को कुत्ता बोल के वो चले गए मुंबई, जहां पर उनका घर है मुंबई के घाटकोपर एरिया में। वहां जो घाटकोपर एरिया है वह ज्यादातर संख्या जिहादियों की ही है, और ये जिहादी अपने अड्डे में पहुंच गए और आराम फरमा रहे थे। वहां आधी रात को यानी कल कुछ सफेद ड्रेस में, सादी ड्रेस में पुलिस वाले वहां जमावड़ा किए, और जब जमावड़ा किए तो उसको जैसा कोई डाउट ना हो और जिहादियों के भी कोई डाउट ना हो, इसलिए वो पूछते पूछते कि हमको मौलाना साहब से बात करनी है, ऐसा वैसा करके पुलिस वाले वहां पहुंच गए। इन मौलाना साहब का नाम है मुफ्ती सलमान अज्जारी, और ये मौलाना पुलिस के बातों में आ गए और मौलाना को पुलिस गिरफ्तार कर ली। ये कल रात की घटना है। और वहां पर सारे जिहादी भी देखते देखते आ गए सैकड़ों की संख्या में मौलाना के बचाव में। गुजरात से जो एटीएस पुलिस आई थी, महाराष्ट्र की पुलिस थी और महाराष्ट्र की एटीएस भी थी, इन तीनों ने मौलाना को दबोच दिया। और वहां पर गुजरात की पुलिस कुत्ते की तरह इस मौलाना, जिसका नाम है मुफ्ती सलमान अज्जारी, घसीटते हुए कुत्ते की तरह घसीटकर पुलिस ले गई। और अब तो जानते ही आप कि हमारे देश में जो पुलिस है और उसकी जो पुलिसिया व्यवस्था है, जो पुलिसिया जांच है, वो कैसी होती है, कैसे होता है, वो सब आप जानते हैं। अब पुलिस इसका उचित उसका उचित ट्रीटमेंट करेगी, उसको उचित दवा दारू करेगी। तो ये जो मौलाना है, दरअसल इसका दिमाग हो गया खराब, और ये लोग सोचते हैं कि भारत में मुगलों का शासन चल रहा है, भारत में पाकिस्तान का शासन चल रहा है, इस्लामिक कानून चल रहा है, इसलिए तो इतना बड़ा दुस्साहस करके इस मौलाना ने बोल दिया कि जैसे ऑल हिंदूज आर डॉग्स। तत्पश्चात जब पुलिस को खबर मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, पुलिस हरकत में आई एवं गुजरात से जाकर पुलिस ने बॉम्बे में इसको धर दबोचा और कुत्ते की तरह घसीट कर ले आई। ये ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं
ये लोग वास्तव में ये सीधी सपाट भाषा नहीं जानते, मानते भी नहीं है। इनको लात चाहिए, लात, और इनको थप्पड़ मुक्के वाली नहीं, अच्छे से इनको ऐसी लात चाहिए जैसे इनके पुरखे याद रखें, ऐसी व्यवस्था इनके साथ में होनी चाहिए, क्योंकि इनके हो समाज जो है ठिकाने पर नहीं रहते। जबकि अभी तक भी हमारे देश में अभी तक भी ये एक्चुअली जितने मौला मौलवी मौलाना वगैरह हैं वो सारे के सारे, इनको सबको फंडिंग मिलता है एक्चुअली फॉरेन से, ज्यादातर फंडिंग, और ये फॉरेन के फंडिंग लेकर ही ये जो उछल कूद मचाते रहते हैं यहाँ पर, और ये जो भूल जाते हैं कि ये देश कोई इस्लामिक देश नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी ने अपने जमाने में सारे अपोजिशन को, अपोजिशन लीडर जब अंदर थे जेल में थे उस समय संविधान में संशोधन कर दिया था और एक सेकुलर शब्द घुसेड़ दिया था हमारे संविधान में। तत्पश्चात 1975 सेकुलर वर्ड, 1975 में जब से सेकुलर शब्द जोड़ा गया हमारे संविधान में, तत्पश्चात इनके ज्यादा सिंह उठ गए हैं और इनके सिंह फूस गए हैं तत्पश्चात, और ये ज्यादा अभी आजकल बेकाबू हुए घूम रहे हैं। लेकिन हमारी जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, पुलिसिया व्यवस्था है, इनके बहुत जल्द होश ठिकाने आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। अब मैं बता रहा हूं, इनको चाहिए, इनको चाहिए अपने जो आका है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी ये मुसलमान भाई लोग हैं ये इनमें से 99.9% कन्वर्टेड है, क्योंकि जब बाबर ने हमारे देश पर आक्रमण किया था कुल में 500 सेना लेकर आया था बाबर, ओनली 500, और आज के दिन ये लोग जो करोड़ों करोड़ों में है इनमें अधिकांश लोग कन्वर्टेड है, चाहे वो पैसे के लालच में कन्वर्सन किए हों, चाहे डर से कन्वर्सन किया हो, या और किसी कारण से कन्वर्सन किया हो, लेकिन 99.9% लोग जो आज है हिंदुस्तान में वो सारे के सारे कन्वर्टेड है। ये हुई एक नंबर बात। दो नंबर बात ये है कि इनके जो आका है अर्थात सऊदी अरब, जहां मक्का मदीना, जहां इनकी पवित्र मक्का मदीना है, वहां के जो अभी जो रॉयल प्रिंस है MBS वो सुलेमान, वो तो आजकल सऊदी अरब सोसाइटी को ओपन करने में लगे हुए हैं, वो खुलेपन में विश्वास करते हैं, वहां पर महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार दे दिए हैं, महिलाएं आराम से बिना किसी पुरुष के सहयोग के बाजारों में आती जाती हैं, और भी बहुत सारे मतलब छूट उन्होंने दे रखी है। और अब सुनने में आया है कि वहां पर एक हिंदू मंदिर भी होने जा रहा है सऊदी अरब में, जहां से इस्लाम सारे विश्व में फैला, वहां एक हिंदू मंदिर होगा बोल के सुनने में आ रहा है। एवं इसी महीने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में एक विशाल हिंदू मंदिर की स्थापना होने जा रही है, और पूजा अर्चना अभी चल रही है, प्राण प्रतिष्ठा होना इसी महीने में होनी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, वो इसी महीने में हो रहे। मतलब जहां से, जिस धरती से इस्लाम का आरंभ हुआ था, उस धरती पर सनातनी धीरे 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 वहां जा रहे हैं, और सनातन संस्कृति वहां धीरे धीरे आ रही है। लेकिन ये जो मुल्ला मौलवी है, मौलाना है, जो भारत में बैठे हैं, जो कन्वर्टेड है, वो मतलब क्या है कि पीछे मुड़ के अपने इतिहास को देखना नहीं चाहते, अपने इतिहास के बारे में कुछ सोचना नहीं। सबको मालूम है कि सब कन्वर्टेड है, लेकिन वो अपने जो इतिहास के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं, और इनका जो जींस जो हिंदुओं से आरंभ हुआ है उसी उन्हीं हिंदुओं को ये लोग हिंदू जार डॉग्स के नाम से संबोधित किए हैं, यही मौलाना। और इनके साथ में जो पुलिसिया अभी जो ट्रीटमेंट होना है, एकदम सही समय पर सही व्यक्ति को पकड़ा है पुलिस ने, और अब पुलिसिया ट्रीटमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये उठता है इनका और आखिर में क्या है। अभी जैसे आज उत्तराखंड असेंबली में जो हम लोग सुनते, अभी तक कंफर्म आया नहीं, शायद हो जाएगा या आ गया होगा, CAA NRC ये सब उत्तराखंड असेंबली में बिल पेश हो गया होगा, क्योंकि CAA के ऊपर लॉ कमीशन, वहां की जो लॉ कमीशन है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, सरकार ने भी कैबिनेट में, उत्तराखंड की सरकार ने कैबिनेट में उसका अप्रूवल भी दे दिया है, और आज उत्तराखंड असेंबली में वो उसको पेश होना था, हो भी गया होगा, अभी तक खबर आई नहीं है, शायद चंद मिनटों में या एक दो घंटे में हमारे पास खबर आ जाएगी क्रांति उड़ीसा मीडिया में। तो अब हमारे देश में
CAA भी लागू होगा, NRC भी लागू होगा, और जो जनसंख्या अधिक संख्या जो इन लोगों के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसके ऊपर भी लगाम लागू होगी। और अब देखते जाइए इन जिहादियों को कैसे कैसे इनके ऊपर लगाम कसी जाएगी, आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में हम लोग खूब देखेंगे ये सब नजारा, और होना भी चाहिए देश के इंटरेस्ट में, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। और इनके सारे जो जिहाद, लैंड जिहाद, लब जिहाद, ये सारे के सारे जिहाद जो भी है ये सारे औंधे मुंह गिरेंगे आने वाले समय में। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।